नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी दूसरे सत्र का हम 9वां चैप्टर पहुँचे थे विद्यार्थियों, जिसका नाम है उलझन सुलझन। अब ये पहेलियाँ हैं, पहेलियाँ माने कि पहेलियों को सुलझाने के लिए उसे पहेलियाँ बुझानी पड़ती है, मतलब कि ऐसे विशेष शब्दों द्वारा कोई चीज़ या वस्तु के बारे में बताए जाते हैं जिसके लिए हमारी तर्क शक्ति लगती है और हमारी विचार शक्ति से हम सोचते हैं कि ऐसी वस्तु या चीज़ या कोई इंसान का नाम हो तो वह वस्तु क्या है। उसके लिए पहेलियों में क्या होता है विद्यार्थियों, जैसे कि हम आगे के वीडियो में 2 पहेलियाँ देख चुके थे कि उसमें फूल के द्वारा कहाँ गया फूल के बारे में, लेकिन फूल के जो गुण थे वो किससे मिलते थे, छाते से। इस प्रकार हमें तर्क करने से पता चलता है कि काले रंग का फूल जो है वो छाते की बात की गई है। और दूसरी पहेली में हम पढ़ गए विद्यार्थियों के रानी और उसके सिपाहियों के बारे में बात की गई थी, जो रानी कैसी थी कि जिसके पास चोर और डाकू नहीं थे फिर भी उसे सिपाहियों की ज़रूरत पड़ती है। तो किसके बारे में यहाँ बात की गई थी, हमारी जीभ के बारे में। तो हम आगे की पहेलियाँ आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तीसरी पहेली में विद्यार्थियों देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ने नंबर 50 पर, नाम मेरा 3 अक्षर का। ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों, अब ये पहेली में बताया गया है किसी वस्तु के बारे में, अब उसे हमें तर्क और विचार शक्ति से बूझना है। बूझना मतलब कि हमें जानना है कि वह किस वस्तु के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पहले कहा गया है कि नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का। अब यहाँ पे सागर का तट माने किनारा, जिस चीज़ के बारे में कहा गया है वह कहाँ रहता है, तो सागर के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर। खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। अब यह चीज़ कैसी है कि जिसे हम खा सकते हैं, माने कि किसी खाने वाली चीज़ के बारे में यहाँ पर पहेलियाँ कही गई है। तो इसे बुझाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि 3 अक्षर का नाम हो और उसे हम खाते भी हों, माने कि यह चीज़ खाने में उपयोग लेने वाली है, और सागर तट पर ऐसी चीज़ क्या है खाने वाली जो सागर तट पर रहती हो या वहाँ से मिलती हो। तो विद्यार्थियों, इसका इस पहेली के उत्तर आएगा नमक। अब नमक जो हम खाने में भी प्रयोग करते हैं, और यह नमक है वह कहाँ पर मिलता है, पकता कहाँ पर है, मिलता तो हमारे बाज़ारों में भी है लेकिन वहाँ पर क्या है, वो लोग कहाँ से नमक लाते हैं, तो सागर तट का रहने वाला हूँ यहाँ पर कहा गया, मतलब कि नमक जो है वो सागर किनारे पर पाया जाता है, वहाँ पर पकता है, बनता है, फिर वहाँ से लेकर उसको शुद्धिकरण करके बाजारों में लाया जाता है। इसीलिए इस पहेली का उत्तर होता है नमक, यहाँ पर नमक के बारे में बताया गया है। चौथी पहेली विद्यार्थियों है, आदि कटे तो दशरथ सूत होता, मध्य कटे तो आम। अब यहाँ पर किसी एक वस्तु या किसी एक भाव या चीज़ के बारे में कि ऐसा क्या है जो जिसका आदि कटे, मतलब कि जो जिसका नाम है उसमें से आदि माने कि आरंभ या शुरुआत का अक्षर, यहाँ पर उस नाम का शुरुआत का अक्षर अगर यदि हम निकाल दें तो क्या बनेगा, दशरथ सूत। रामायण में विद्यार्थियों हम देख चुके हैं कि दशरथ सूत यानी राजा दशरथ के सूत मानी, सूत्र मानी पुत्र या बेटा, उसका नाम क्या था, तो राम था। तो यहाँ पर जिस भाव की बात, जिस वस्तु की बात की गई है कि आदि कटे तो, यानी कि उसका पहला अक्षर यदि हम निकाल दें तो दशरथ सूत होता, यानी कि दशरथ पुत्र राम का नाम बनेगा। और मध्य कटे तो आम, यानी कि आम शब्द है उसमें से मध्य यानी बीच का अक्षर, और वह कैसा शब्द है जिसका बीच का अक्षर यदि निकाल दिया जाए तो अक्षर बनेगा आम, तो आम पाया जाएगा। और अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। अब उसका अंत माने आखिर का अक्षर यदि निकाला जाए तो क्या बनेगा, तो लकड़ी काटने वाला एक वस्तु बनेगी। तो हम विद्यार्थियों समझते हैं कि यहाँ पर आदि मध्य और अंत कटने से क्या बनता है,
मेरे साथ साथ विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए आप, पहले कहाँ गया विद्यार्थियों कि आदि का अक्षर कटते ही सूत पुत्र का नाम बने गया, दशरथ पुत्र के सूत का नाम बनेगा यानी कि राम। तो यहाँ पर राम, यदि पहला अक्षर पहली का निकाल दिया जाए तो अक्षर मिलेगा हमें राम, यह शब्द बनता है। और दूसरी पहली के शब्दों में कहा गया कि मध्य यानी उसका बीच का अक्षर यदि निकाल दिया जाए तो आम बनेगा। तो यहाँ पर आम, आम म बीच का अक्षर निकालते ही आम अक्षर मिलेगा। और अंत में कहा गया कि अंत का आखिर का जो शब्द है वो निकाल दिया जाए तो काटू लकड़ी माने कि लकड़ी काटने वाली कोई चीज़ मिलेगी यदि अंत का अक्षर निकाल दिया जाए। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर हमें इसके द्वारा ही अंत का अक्षर ढूंढना है मानी क्या, अंत का अक्षर यहाँ पे आम होता है यानी कि ये बाकी के दो तो अंत का यह अक्षर हुआ। और यहाँ पर कहा गया कि अंत का अक्षर कटे तो यानी ये अक्षर निकाल दिया और ये बीच का और ये बीच का और ये तीसरे अक्षर मानी बनता है यह अक्षर आरा मानी आरा द्वारा लकड़ियाँ काटी जाती हैं, आरी जो होती हैं जिससे हम लकड़ियाँ काट सकते। तो इन तीन अक्षर हमें मिलते हैं इस पहेली के द्वारा। तो इस पर हमें देखना है कि इससे पहेली का उत्तर क्या कहा गया है। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, आदि कटे तो दशरथ सूत होता यानी कि पहला अक्षर निकाल देने पर राम बनता है और दूसरा मध्य कटे तो यानी कि मध्य का अक्षर निकाल देने पर आम बना। तो यहाँ पर मध्य का अक्षर रा होता है, लिखते जाएंगे। अब अंत कटे तो यानी मध्य का अक्षर यहाँ पर रा निकाल दिया तो हमें आ मिला यानी कि रा यदि मध्य का अक्षर हो तो प्रथम अक्षर क्या आएगा, आ। तो यहाँ पर आ रा पहले दो अक्षर, और अंत का अक्षर कटे तो काटू लकड़ी। अब यहाँ पर पहले वाले अक्षर को देखिए विद्यार्थियों, मध्य कटे तो आम बनता था आम। अब आम का अंतिम अक्षर म था, यह जो आ है वो पहला अक्षर था तो हमें अब अंतिम अक्षर चाहिए म यानी कि यह म बनेगा। तो विद्यार्थियों पहली का उत्तर आएगा आ राम। अब देखिए ठीक से इसे समझते हैं, पहली के उपरांत पहला अक्षर निकाल दिया जाए तो यहाँ पर हमने पहला अक्षर निकाल दिया था तो बनता था राम, और बीच वाला अक्षर निकाल दिया था यानी कि रा तो बनता था आम आ म, और अंतिम अक्षर यानी कि म निकालने पर बनता था आरा यहाँ पर आरा। अब पूरी पहेली देखने पर हमें पता चलता है कि शब्द क्या है, पहेली का उत्तर आएगा आराम। आराम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ तक विद्यार्थियों हम पहेलियाँ देख चुके और इसके बाद की पहेलियाँ हम इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।